कर चुके हैं भाई, ये वाला अच्छा खासा बड़ा रूम है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इस रूम को क्या कहने वाले हैं? तो ये हमारा सबसे खूबसूरत एरिया है पूरे घर का। अगर आपकी हैचबैक ब्रेजा टाइप की गाड़ी है तो इधर आ जाएगी। बताना चाहूंगा प्राइसिंग इसका 1.5 करोड़ है। ओके। और ये बहुत ही नॉमिनल रेट है इतने बड़े मकान के लिए। इतना लग्जरियस हाउस आपको दिखाने वाला हूँ पूरा ब्रदर। देखिए बहुत ही बड़ा हाउस है, अंदर से आप देख पाएंगे। किचन में 4 लोग खड़े हैं लेकिन जगह की कमी नहीं है। और घरों में जाइए 2 लोग भी आ जाए तो लगता है किचन में कंजेशन फील हो गया। काफी महंगे हैंडल ही आते हैं। एक आपका चैलेंज करता हूँ, पूरे लखनऊ में जिस रेट में घर में दे रहा हूँ आप पूरे लखनऊ में छान मारिए, इस रेट में ऐसा घर तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं इस लाइन में मैं डालता हूँ। तो और छोटे बड़े मिला के 600 से ज्यादा लाइटें लगी है पूरे घर में जी, और वो भी सब ब्रांडेड पॉली कैप की है, काफी यूनिक है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पिंक कलर का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया है, यहाँ दिया गया है। आपको वॉशरूम दिखाना चाहिए, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आप सभी लोगों को आज मैं लखनऊ शहर के अंदर एक नई प्रॉपर्टी, एक लग्जीरियस, आपको अगर हाउस लेना है, अपने सपनों का घर लेना है, तो आप सभी लोग इस पूरी वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज हूँ लखनऊ शहर के IIM रोड के जस्ट बगल में। ये रायपुर का पूरा एरिया लगने वाला है, जस्ट मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं जी हाँ, बहुत ही लग्जीरियस हाउस है, बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। तो आप सभी को इस पूरे हाउस का मैं टूर कराने वाला हूँ। जितने हमारे लखनऊ शहर के भाई बहनों, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और देखिएगा। जिसको भी घर चाहिए भाई ये लग्जीरियस हाउस, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज बुलाते हैं जो इस प्रॉपर्टी के कहेंगे मालिक हैं, वो पूरा पूरा सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं इस साइट के बारे में। तो सर को बुलाते हैं, आइए सर। कैसे सर आप? बढ़िया है। तो सर आप पूरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे, पूरे इस घर का टूर देने वाले हैं। तो सर ये बताइए, जस्ट राइट नाउ अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, तो जरा बहुत सारे लोगों को लोकेलिटी थोड़ा बताइए कि मेनली ये लोकेशन कहाँ पड़ने वाली है। तो नियरेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर्षी यूनिवर्सिटी है। ओके। दूसरा आपका IIM इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और इस IIM रोड पे आपको सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि आप बात करें स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट्स, डोमिनोज, ओला उबर, सारी जो आजकल बेसिक फैसिलिटी जी। ये रायपुर लगता है, टाउनशिप का नाम है ईशानिका ग्रीन्स। और यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है मैं चाहूंगा आप दिखाइए, सामने आपको चौड़ी रोड मिल रही है। देखिए अभी राइट नाउ जिस जगह हम लोग खड़े हैं 30 फीट का चौड़ा रोड, ये 30 फीट का चौड़ा रोड है। देखें वहाँ से लेकर यहाँ तक, जस्ट गेट के यहाँ तक आपको 30 फीट की चौड़ी रोड मिलने वाली है। आप देख पा रहे हो ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक यहाँ भी खड़ी हो जाए तो बीच में भी आपकी गाड़ी आराम से चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखें बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन तरीके से इस चीज को बनाया गया है, बहुत ही स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। तो सर मुझे बताइए इसका प्लॉटिंग एरिया वगैरह कितना है? मैं बताना चाहूंगा ये घर उसके लिए है जो बड़े घर चाहते हैं लखनऊ में, जिसकी बड़ी फैमिली है। तो जैसे बोला बड़ा घर, तो इसका प्लॉट एरिया 2200 स्क्वायर फीट है। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन एरिया आपका 4500 स्क्वायर फीट है। टोटल 6 कमरे मिलेंगे, 5 बाथरूम मिलेगा, 2 डाइनिंग हॉल एरिया है, प्लस एक किचन है। तो अभी जितने मैंने अभी अंदर में होके आया था भाई, बहुत ही बड़े बड़े रूम बनाए गए हैं, मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप एलिवेशन में आप देखिए, हमने पूरी टाइलिंग की हुई है, इसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इस घर में बहुत कम आएगा। हमने टाइल लगा दी, आप 5 साल में एक बार इसको पुछवा दीजिए, जैसे आ जाए वैसे आपको 5 साल बाद लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पेंट में क्या है, 5 साल में 5 बार पेंट कराना पड़ जाएगा या कई 5 से ज्यादा बार कराना पड़ जाए, वो कुछ गारंटी नहीं है। हाँ। लेकिन टाइल्स में क्या है कि आप देख पा रहे होंगे काफी सिंपल और सोवर टाइल्स हमने लगा रखा है, तो आपका इसमें काफी कम मेंटेनेंस आएगा घर में। ओके। तो चलिए हम लोग अब फाइनली आप सभी को टूर कराने वाले हैं इस जगह की। तो फाइनली सब सर ने हमें पूरा ऑल ओवर एरिया बता दिया। सर इसकी बताइए इसकी प्राइसिंग क्या है, बहुत सारे लोग इतना बड़ा घर चाहते हैं, तो प्राइसिंग आपने क्या चीज करी? जी मैं बताना चाहूंगा प्राइसिंग इसका 1.5 करोड़ है। ओके। और ये बहुत ही नॉमिनल रेट है इतने बड़े मकान के लिए। ओके। तो देखिए हमारे लखनऊ शहर में इतना लग्जीरियस हाउस, इतना बड़ा हाउस अगर आपको लेना है तो सिर्फ 1.5 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पूरा कंटिन्यू करिए। चलिए आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। जैसे अब हम लोग जैसे जो सामने हैं घर की तरफ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रॉपर तरीके से घर में एलिवेशन को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ। यहाँ पे हमने CNC की डिज़ाइन दी है, आप देख पा रहे होंगे, और पूरा ये हमने 1, 2, 4 पावे बड़े बड़े दिए, यहाँ हमने कंपोजिट लगा रखा है। ओके। और लोहे का गेट है, इसमें भी CNC की डिजाइने हैं। ठीक है। और जो गेट है हमारा वो सिल्वर और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है।
और काफी मजबूत ये गेट है, अच्छा खासा बड़ा गेट है। अगर आप लोग अंदर पार्किंग वगैरह भी करना चाहते हैं आराम से, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पार्किंग की बात अगर आप करिए तो आप इधर दिखाइए, यहाँ पे आपकी फॉर्च्यूनर आ जाएगी एक, अगर आपकी हैचबैक ब्रेजा टाइप की गाड़ी है तो इधर आ जाएगी। तो ऑल ओवर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गाड़ी, यहाँ पर एक गाड़ी और भी टू व्हीलर है आपको आराम से यहाँ पर आने वाले, तो बहुत ही अच्छा खासा बड़ा एरिया दिया गया है। कुछ लोग प्लांट्स के शौकीन होते हैं तो यहाँ अगर आप चाहेंगे तो कटिंग करके पेड़ भी लग जाएंगे, वो ग्रीनरी भी हो सकती है यहाँ पे। हाँ, अपने हिसाब से गमले या पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, शौक है अगर आपको गार्डनिंग है तो उसको भी आप प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। और जरा मैं देख रहा हूँ यहाँ फोकस, अभी रात जैसे होगी आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। यहाँ पर फोकसिंग लाइट दी गई, यहाँ देखें, यहाँ देखें, और जस्ट घर के बाहर जो बाउंड्री है वहाँ भी देखिए, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ख्याल रखा है जो हमारी ये देखिए हाइट है, इस पे कोई चढ़ के घर में ना ले पाए, तो सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे लोहे की ग्रिल दी गई है। पर सर ये क्या बना हुआ है? तो ये आप कार पार्किंग के साथ साथ यहाँ पे है हमारा शूज स्टैंड का पॉइंट है, यहाँ पे शूज आ जाएंगे। ओके। और यहाँ पे इन्वर्टर का पॉइंट है, कार वॉश करने के लिए पाइप दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सिंक भी दिया जो है, सबमर्सिबल का करा रखा है बोरिंग। ठीक है, बाहर कराने का ये रीजन है फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो आपका इजिली जो है सही हो जाए। पूरे घर में आपको 6 कैमरे मिलेंगे जो हर एंगल को घर को कवर करता है। अच्छा जी, आगे पीछे नॉर्थ साउथ और छोटे बड़े मिला के 600 से ज्यादा लाइटें लगी है पूरे घर में जी, और वो भी सब ब्रांडेड पॉली कैप की है। ओके। और जो भी चीज घर में लगी है हर चीज ब्रांडेड और क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं उससे आप बेस्ट पाएंगे यहाँ पहुँच के। तरीके से इस चीज को बनाया गया है तो आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आप लोग इस साइट को विजिट करना चाहते हैं, घर को देखना चाहते हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहा है नंबर पे कॉल करिए, देन आपको सारी जानकारी वहाँ मिलने वाली है। विजिट करना चाहते हैं विजिट भी कर सकते हैं। घर का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जी, आप उसको आप चेक में करवा सकता हूँ, और जिस भी एंगल से आप कंप्लीट हो चुका है चेक कराने का वो मेरी जिम्मेदारी है। हर जगह पावे प्लास्टर की क्वालिटी वो मेरी जिम्मेदारी है। इस एरिया में हमने और भी कस्टमर को मकान दे रखा है इस मकान के पास में। अच्छा, अच्छा। तो कस्टमर रिव्यू, जो कस्टमर ऑलरेडी रह रहे हैं उनसे आप रिव्यू भी ले सकते हैं। देखिए आप देख सकते होंगे आपको वीडियो में थोड़ा मार्बल लुक में लग रहा होगा, लेकिन ये मार्बल नहीं है, ये हमारा ग्लॉसी लुक में माइका है। इतना लग्जरियस हाउस आपको दिखाने वाला हूँ पूरा पूरा, देखिए बहुत ही बड़ा हाउस है, अंदर से आप लोग देख पा रहे हैं, आप एंटर कर पाए उस वाले रूम के, है ना सर? इस रूम को क्या कहने वाले, इसमें किस चीज के लिए बनाया गया है? तो ये हमारा बेसिकली ड्राइंग रूम है। ठीक है, यहाँ पे सेट में सोफा आ जाएगा, बीच में आपका सेंट्रल टेबल आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एलईडी पॉइंट है, यहाँ पर टीवी लग जाएगा। तो अटैच बाथरूम हमने दिया है, अटैच वॉशरूम वगैरह दिया गया है। तो आपको वॉशरूम दिखाना चाहिए, है ना? इंडियन वॉशरूम यहाँ पे यूज किया गया है। 8x6 फीट का है, 48 स्क्वायर फीट का है। ठीक है, और 13 ब्रांड का देखिए हमने लगाया है। ठीक है, बेसिक डिजाइन की क्वालिटी ये है, ये आपका लाइफ टाइम से कभी पानी से नहीं खराब होगा, क्योंकि ये लकड़ी की पीवीसी का मटेरियल है। पीवीसी का मटेरियल है, लोग अक्सर लकड़ी का बेसिन लगा देते हैं वो आपका पानी से लग के सड़ जाता है, वो सब चीजों का ध्यान रखा गया है। छोटी छोटी बारीकी होगा, 6x5 फीट की विंडो है। ठीक है, तो अभी पूरा एरिया की बात करें, ये जिसमें आप खड़े इसके साइज की बात करें तो हमारा 16 फीट ऐसे है, 14 फीट ऐसे, 16x14 फीट। ठीक है, 16x14 फीट का। एक आपका वॉर्म व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, एक आपका ब्लू कलर हो गया, एक आपका। और दरवाजे में देखिए हमने गोदरेज के लॉक दे रखे हैं, और काफी एंटीक हैंडल है, जो आर्किटेक्ट के नॉलेज में हमसे आप पूछिए, काफी महंगे हैंडल ही आते हैं। बिल्कुल, और दरवाजा हमारा ये मेम्ब्रेन डोर है पीएफ का, ये लाइफ टाइम गारंटी, कभी पानी से नहीं खराब। हमारी वो 9 इंची थी, आप ये बताइए। अच्छा, देखिए दीवार है 9 इंच की बनाई गई है प्रॉपर, और आपको वीडियो में ये लकड़ी लग रहा होगा लेकिन ये लकड़ी नहीं है हमारी चौखट। ओके, ये हमारा पीपीजीआई मटेरियल है, कभी दीमक नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग देखिए उस वाले रूम से यहाँ पे एंटर कर चुके हैं भाई, ये वाला अच्छा खासा बड़ा रूम है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इस रूम को क्या कहने वाले हैं? तो ये हमारा सबसे खूबसूरत एरिया है पूरे घर का। ठीक है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है। ठीक, और डाइनिंग करते ही करते आप पूरे घर की वॉचिंग भी कर सकते हैं, एलईडी पैनल पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरे सारे इंस्टॉल हैं, आप बाहर का कैमरा है, बाहर हमारी दोनों गाड़ियां खड़ी है, देखिए दिख रही है। तो दिवाली आपकी कभी छोटे बच्चे के घर रहते हैं पता है कि कितनी दिवाली खराब करते हैं, यहाँ आपका कोई दीवार नहीं खराब कर पाएगा, छोटा बच्चा भी चाहे नहीं कर पाएगा। ये हमारा ओटीएस है,
जो कि आपका अगर वेंटिलेशन के पर्पस से है, ये वाला पूरा एरिया दिखा दिया यहाँ पर, इसकी साइज में आपको बताना चाहिए पूरा एरिया, ये 17x25 फीट का है, अराउंड आपका 300 स्क्वायर फीट से हमारा किचन है। आइए हम आपको किचन दिखाते हैं, देखिए हमने काफी खूबसूरत बनाई है, आपका फ्रिज आ जाएगा डबल डोर का, ओके, प्लस ये हमारी केवल राइट की चिमनी है, ठीक है, चिमनी सामने ही रखी है, लेकिन घर किचन में चार लोग खड़े हैं लेकिन जगह की कमी नहीं है, और घरों में जाइए दो लोग भी आ जाए तो लगता है किचन में कंजेशन फील होता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें गई है यहाँ बाबू को, किचन से रिगार्डिंग जो भी सामान है आप यहाँ रख सकते हैं, हाइड्रोलिक है, आप देखिए सॉफ्ट क्लोज ओपन हो रहा है आसानी से, हल्का सा आप ऐसे करेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो गया, ये आपका यहाँ पे कुछ भी पैकेट का आइटम आता है यहाँ रख सकते हैं, यहाँ आपको मिल रहा है किचन में, प्लस है वास के लिए ये हमारा स्क्रो गार्ड है, और बॉयलर हम लगा के दे रहे हैं, और फैन भी हम लगा के दे रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीजें बहुत ही मकानों में नहीं मिलती है, इधर को अगर डिटेल में बताया जाए तो 2 घंटा भी कर रहे हैं, इसको ज्यादा जानकारी चाहिए विजिट करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करें। हाँ बिल्कुल, अभी मैं देख पा रहा हूँ इस वाले रूम में हम लोग आ गए हैं, इस रूम का क्या डायमेंशन है सर? डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे तो 15x15 फीट का है, ठीक है, स्क्वायर का मतलब बना है, स्क्वायर में है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने टाइल लगा रखी है, ठीक है, तीन तरफ आप देख रहे हैं नाइट है, और ये दीवार हमने डार्क में बना रखा है, यहाँ भी मिरर दिया गया है, काफी यूनिक है, बिल्कुल यहाँ पर पिंक कलर का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया है, यहाँ पर लोग देख सकते हैं, इसमें ये हमारा LED पैनल हम बना के दे रहे हैं, 6x6 फीट का है, यहाँ आपकी बड़ी से बड़ी टीवी 50 इंच तक की भी आ जाएगी, ये हमारा बाथरूम है, ठीक है, तो रूम से अटैच ये हमारा बाथरूम है, ओके, ये वॉशरूम तो वही एरिया जो उसमें था, ये हमारा 10x5 फीट है, ठीक, वो हमारा 8x6 फीट, ये आप देख सकते हैं सेना ब्रांड का हमने लगा रखा है, लाइफ टाइम रह जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं देख पा रहा हूँ इस वाले रूम में आ रहा हूँ, ये हमारा OTS है, दोनों कमरों में हमारा ये OTS है, वेंटिलेशन जाएगा, बेसिक ये है कि यहाँ आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा, और आपके बेडरूम के AC के आउटडोर यहाँ लग जाएंगे, बड़े आपने वहाँ पे होल भी वगैरह दिए रखे हैं, भाई आपको मैं सेकंड बेडरूम में ले चलता हूँ, इधर से दूसरे रूम में, ठीक है, इससे बगल में ही वाला रूम है, जी तो ये भी हमारा सेम साइज है, 15x15 फीट का है सर, वहाँ एक बार ये वार्डरोब इस रूम पे काफी खूबसूरत वार्डरोब बना के दे रहे हैं, किसी खास बात ऑर्डर में देख पा रहा हूँ, थोड़ा दीवार से बाहर नहीं निकला हुआ, एक खाली स्पेस नहीं है, 80% घरों में देखते होंगे वार्डरोब्स कमरे की साइज को बेकार करते हैं, लेकिन हमारा वार्डरोब कमरे की साइज को बेकार नहीं बल्कि कमरे का और लुक दे रहा है, इधर देखिए आप दीवार देखेंगे प्लेन में है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ रूम यहाँ पे यूज किए गए हैं, यहाँ पर सर मैं देख पा रहा हूँ हर एक रूम में ऑलमोस्ट आपने यहाँ पर मिरर दे रखा है क्या? जी जी, मिरर आपको जरूरी है ही है रूम में, रूम ये है सेम, हमने आप एक्सप्लेन किया था, सेम साइज है, सेम चीजें हुई है इसमें, ये एरिया आप देखिए सीढ़ी के नीचे हमने काफी अच्छा वर्क कर रखा है, ये आपका स्टोरेज में भी वर्क आएगा, प्लस एंटीक चीजें अगर आपके कुछ घर में तो वो भी आप मेडल वगैरह देखते हो यहाँ रख सकते हैं, अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलते हैं, स्टेयर पे आप देख सकते हैं हमने स्टील का वर्क किया है, प्लस 12mm का टफल ग्लास है हमारा ये वाला जी, और सीढ़ी पर लाइटें दे रखी है, इसके ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ये हमारा लिविंग एरिया जैसे नीचे था, तो ये भी हमारा लिविंग एरिया, ये हमारा 17x17 फीट का, ठीक है, आपको देखिए सोफा वगैरह आराम से आ जाएगा, कोई डाइनिंग टेबल रखना चाहता है यहाँ डाइनिंग टेबल वगैरह प्रॉपर ढंग से आ सकता है, और इससे ही अटैच ही हमारा OTS है जो आपको नीचे हमने दिखाया था, वही सेम टू सेम जैसे ऊपर है, जी जी, सीलिंग काफी यूनिक है, अच्छा सर्कल में बनाई गई है, सर्कल में है आप देख सकते हैं, ओरियन कंपनी के फैन है, बहुत ही बड़ा रूम है, ये हमारा 16x14 फीट का रूम है, ठीक है, और आप वार्डरोब बन गया है देख सकते हैं आप, बेड आ जाएगा, डबल बेड आ जाएगा, राइट, और राइट हैंड साइड पे इसका बाथरूम है, अच्छा वॉशरूम देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा अलग चीजें यूज करेंगे, यहाँ पर सेम सारी चीजें सेम है, कलर कॉम्बिनेशन अलग है, ओके, तो एक्सप्लेन मैंने नीचे किया ही है, खाली आप ओवरव्यू दे रही थी, ऑल ओवर मैं जैसा देख पा रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन साइज सब क्वालिटी वाइज
और नो कॉम्प्रोमाइज। कितनी बड़ी बालकनी इस पे, देखिए अच्छी बात है। आप सुबह में चाय वगैरह पीना चाहे तो काफी अच्छी। और मैं अभी सामने सभी लोगों को व्यू दिखाना चाहूंगा, यहाँ प्रॉपर बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है आपको, पूरा खाली मैदान है, आराम से सभी लोग। आसपास आपको बहुत ही घनी बस्ती देखने को मिलने वाली है, सुबह आपको चाय वगैरह यहाँ पर बैठ के पी सकते हैं। काफी अच्छे झूमर लगा के दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। रूम में एंटर कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये वाला रूम बना है, सेकंड रूम है, इसको आप किड्स रूम भी कह सकते हैं। ये 12 फीट बाय 14 फीट का है, ओके। और ये आप देख सकते हैं हमने फर्नीचर कवर कर रखा है, ठीक है। और इस रूम में भी हमने विंडो दे रखी है, जो कि अटैच नहीं है। आपको दिखाते हैं साइड में लिया इधर भी सर, मुझे जी सीढ़ी से आए थे, दो रूम आपने देख लिया, आपको तीसरा रूम दिखा। और इससे दो लाइटें जल रही है तो काफी अच्छा लगेगा। वही चीज है जैसा नीचे था, तो गया है, बाहर आ रहा है। तो जैसे आप कमरे से बालकनी में गए थे कि ये बैक का एरिया है, यहाँ पे भी आप मिनी किचन कह सकते हैं, कोई पार्टी वगैरह करना हो थोड़ा खुला एरिया है जी, देख सकते हैं। तो ये घर ऐसा है कि आप घर के अंदर रहेंगे तो आपको भी खुला खुला महसूस होगा। ऊपर चारों तरफ आपको लाइटिंग देखने को मिलने वाली है। आइए आप आओ भी दिखा देता है सर, बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है, लोग देख रहे हैं, आगे आपको पता लग रहा होगा कितने रूम आपको देखने को मिले। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे लखनऊ में जिस रेट में घर में दे रहा हूँ, बिल्कुल आप पूरे लखनऊ में छान मारिए इस रेट में, ऐसा घर तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं डालता हूँ। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ खड़े हो, इस लाइट का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, फोकसिंग लाइट इतना प्यारा दिया गया है, आप सीधे से ऊपर कम कर सकते हैं, जिससे आप लोग रेलिंग पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट की लगा रखी है, जो दूसरा सीन है ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं छत के अंदर, बहुत ही बड़ा छत है, छत का एरिया कह सकते हैं, छत का एरिया आप मान के चलिए 2000 स्क्वायर फीट का खुला छत आपको मिल रहा है। आपको 100 लोग को भी इनवाइट करना है तो कोई हॉल नहीं बुक करना है, कोई फंक्शन बर्थडे पार्टी करना हो तो 100 लोग की व्यवस्था आपको घर में ही है। जरा देख पा रहा हूँ पीछे बहुत ही घनी बस्ती है, बिल्कुल आपका जैसे मैंने बताया, मैं आपको प्राइम चीज बताता हूँ, अलीगंज आपका यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, जानकीपुरम 5 मिनट में आप पहुँच जाइए। ओके, ऊपर मल्टी दी गई है काफी बड़ी, ऊपर टंकी भी दिया गया है, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको खिड़की दी जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिजाइन अलग लुक देता है पूरी छत को, बिल्कुल यहाँ पे भी लाइटें लगा रखी है। आपका यहाँ पे इंडिको आपका टावर्स दिख रहा है, इंडिको सिटी आपका 500 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। सर ने पूरा पूरा मकान घुमा दिया भाई, मुझे मकान घूमने में भाई कम से कम आधे घंटे लगे, बहुत ही डिटेल सर ने इस मकान के बारे में बताया, जिस तरीके से इस मकान को बनाया गया, इतनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ, इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, मुझे नहीं लगता पूरे लखनऊ शहर में इतना बड़ा मकान इतने कम प्राइस में मिलने वाला है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे लोग के लिए, और मुझे ये चीज जाननी है जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जो मकान लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए लोनिंग व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत ही बड़ा बजट है ये चीज। जी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस घर का ये है कि आपका लोन हो जाएगा, बिल्कुल। तो जितने लोग देख रहे हैं बेफिक्र रहे, आप सभी लोग एक साथ इतना बड़ा अमाउंट नहीं देना, लोन की पूरी व्यवस्था सर करके दे रहे हैं, 80% आपका लोन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप जितने भी व्यूअर हमारे देखें, ऑल ओवर सारी चीजें भैया ने बता दी, अब जो भी आपका डाउट हो आपको फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर डाउट क्लियर करना है या इस साइट को विजिट करना है तो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करिए, सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। यही कहेंगे जैसा आप वीडियो में घर देख रहे हैं उससे बेस्ट चीज आप रियल में पाएंगे, ऐसा नहीं कि वीडियो में कुछ और दिखाया जाता है मौके पे आप कुछ और पाइए, बिल्कुल। वीडियो में जो भी चीज बोली गई है सारी एक एक चीज आपको सच साबित करके दिखाएंगे, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा। तो जितने लोग देखे हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग तो शेयर करिएगा, इतना लग्जरियस हाउस आपको मैंने दिखाया इस वाली वीडियो में, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। जितने लोग इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी खरीदने में उनको तक वीडियो जरूर पहुंचा देना, आप सभी लोग वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूं एक नए प्रॉपर्टी साइट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।